सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत सोनवर्षा कचहरी ओपी क्षेत्र के वार्ड नंबर 9 में पूर्व से चल रहे जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के दो दर्जन से अधिक लोगों के बीच जमकर लाठियां, रॉड और ईंट पत्थर चलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस युद्ध में दोनों ही ओर से एक दर्जन से अधिक महिला, पुरुष और बच्चे घायल हुए, जिसकी सूचना पर सोनवर्षा ओपी अध्यक्ष पुलिस बल के साथ पहुंचे, जिसके बाद मारपीट रुक गई। सभी घायलों को सदर अस्पताल भेजा गया। वहीं पुलिस जांच में जुट गई है। एक पक्ष के तरफ से जहां 5 से अधिक महिला, पुरुष और बच्चे घायल हुए हैं, वहीं दूसरे पक्ष के 7 लोगों से अधिक लोगों के घायल होने की बातें बताई जा रही हैं। एक पक्ष से ललन शाह और उनके परिजन तो दूसरे पक्ष से सिकंदर शाह के परिजन लाठी, डंडे, रॉड और ईंट पत्थर चला रहे थे। दोनों पक्षों के बीच रास्ते को लेकर वर्षों से विवाद चल रहा है। कई शिकायतें भी अंचल से लेकर थाना तक में पड़ने की बातें बताई जा रही हैं, लेकिन निदान कहीं से भी नहीं हुआ। ऐसे में शनिवार को विवाद जानलेवा हो गया। दोनों पक्ष उग्र हो गए। अगर उन लोगों के द्वारा पूर्व के दिए गए शिकायत पत्र पर कोई सकारात्मक प्रशासनिक पहल होती तो शायद यह माजरा देखने को नहीं मिलता। दोनों पड़ोसी है, खड़गपुर का सिकंदर शाह और ललन शाह, इन लोगों के आसपास ही रहता है। कल 5 तारीख को 11:30 बजे दिन में इन दोनों के बीच रास्ता है, उसी में कूटा करने को लेकर के विवाद हुई है, जिसमें दोनों तरफ से जख्मी है। थाना अध्यक्ष को बोला गया है कि इसमें अरेस्टिंग करें, केस दर्ज करके अभी इलाज रहा है। कितने लोग जख्मी हैं दोनों तरफ से? अभी तो थाना इंचार्ज से बातचीत हुई है तो उन्होंने बोला है कि 4-4 लोग जख्मी हैं जो हॉस्पिटल में। कुल 8 लोग जाँच की जा रही है दोनों पक्षों। थैंक यू। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।